हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस बारे में कि अगर आप कोई भी सेकेंड हैंड गियरलेस स्कूटर लेने जा रहे हैं, मान लीजिए कोई भी एक्टिवा आपको पसंद आई हो, प्लेजर पसंद आई हो या फिर कोई भी गाड़ी पसंद आई हो, तो उस गाड़ी में आपको जो सेकेंड हैंड गाड़ी आप लेने जा रहे हैं तो उसमें क्या क्या आपको चेक करना चाहिए। तो इस टॉपिक में मैं आपको लगभग 5 से 6 चीज़ें ऐसी बताऊँगा जिससे आप उसका सही जो सेकेंड हैंड गाड़ी आप लेने जा रहे हैं उसका सेकेंड हैंड रेट प्राइस जो होगा वो कितना होना चाहिए वो आप सही कैलकुलेशन कर सकें और वो गाड़ी जो है आपको लेने लायक है कि नहीं है वो भी आप वहाँ पे देख सकें। तो जैसा कि आपके सामने अभी एक मैस्ट्रो है, तो मैस्ट्रो को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। तो मैस्ट्रो ये कितनी साल पुरानी है ये हम आपको बाद में बताएंगे और कितना चला हुआ है वह भी बाद में बताएंगे, लेकिन आप पहले गेस कीजिए और हम आपको इसकी जो चीज़ें बताते हैं क्या क्या चीज़ ख़राब हो सकता है और कहाँ कहाँ आपको चीज़ें चेक करनी होती है। तो सबसे पहले जब गाड़ी खड़ी हो, आपको जब ला के गाड़ी इसी तरह आपको खड़ा करके दे देगा बंदा जो भी हो, और आपका गाड़ी डबल स्टैंड पे ही खड़ा होगा, तो डबल स्टैंड पे खड़ा कीजिए उसको और हैंडल चेक कीजिए। तो हमको मेरा दोस्त दिखाएगा कि हैंडल कैसे चेक करते हैं इसका। तो हैंडल जब आपकी गाड़ी खड़ी हो तो पीछे वाला चक्का को पीछे आगे बैठा दीजिए और आगे वाला चक्का इस तरह ढक ढक मारिए, देखिए इस तरह। तो यहाँ पर जब ऐसे ढक ढक कीजिएगा तो अगर आपका यहाँ पर हैंडल जो होता है अगर वो ढक हो तो ढक होने का मतलब 3 चीज़ों पे जाता है सीधा। एक पहला चीज़ कि कटोरी गोली कटा हुआ होगा, दूसरा ढीला हो सकता है, और तीसरा आपका सस्पेंशन में भी कुछ ढक का प्रॉब्लम होगा तो वो भी आपको रिफ्लेक्ट आवाज़ सुनाई देगा। तो अगर यहाँ पे ये प्रॉब्लम अगर है, यहाँ पे से आपको लग रहा है कि आवाज़ आ रहा है और यहाँ पे ढक है, इस तरह ऐसे गाड़ी इस तरह आगे ऐसे ढक से गिराइएगा तो इसका मतलब है आपका 600 से 800 रुपये यहाँ पर खर्च है। 400 के आसपास आपका गोली कटोरी का पूरा सेट आता है, 200-300 रुपये आपको चेंज करने का लेगा पुराना गाड़ी में। तो ये एक चीज़ आप सबसे पहले चेक कीजिएगा। अगर ये चेक हो जाता है तो एक चीज़ और होता है कि यहाँ एक्सीडेंटेड है कि नहीं, वहाँ भी आपको चेक करना होता है। तो आप गाड़ी को लेने जा रहे हैं तो आप किसी ऐसे व्यक्ति को पकड़िए जो आपका गाड़ी जो है हैंडल छोड़ के चला सकता है। तो हैंडल छोड़ के जब वो चलाएगा तो गाड़ी अगर लेफ्ट या राइट की तरफ भाग रही है तो आपको पता चल जाएगा कि गाड़ी एक्सीडेंटेड है कि नहीं। अगर किसी वन साइडेड भाग रही है, लेफ्ट या राइट भाग रही है, तो आप सस्पेंशन और ये गोली कटोरी चेक कर लीजिए। अगर इससे लेफ्ट राइट भाग रही है तो ठीक है, आप उसको 600-700 मिनट बनवा सकते हैं, लेकिन अगर वो अपना जो मेन फ्रेम होता है, ये जो ये इतना रड होता है इधर से ऐसे अगर मैं दिखाऊं तो ये पूरा एक रड होता है ये पूरा, तो ये फ्रेम अगर टेढ़ा हो गया है गाड़ी का तो वो गाड़ी कभी लाइफ में मतलब ठीक नहीं होगी और वो हमेशा वन साइडेड भागते रहेगा। तो गाड़ी को डायरेक्ट रिजेक्ट कर देने में आपको भला ही होगा, क्योंकि वन साइडेड भागते रहेगा, आपका कोई भी एक हाथ जो है वो दुखेगा गाड़ी चलाने में, तो ये चीज़ होता है। लेकिन गोली कटोरी वाला गाड़ी जो जिसमें खराब हो उसमें पहले कहिए कि भाई 700 रुपये मैं ही तुमको देता हूँ, बनवा के दो, क्योंकि उससे क्या होता है आपको थोड़ा कन्फ्यूजन पैदा कर देता है वो चीज़। सस्पेंशन जैसा कि अब तो आपको मैस्ट्रो में टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है और मैक्सिमम गाड़ी में अगर एक्टिवा 5G को छोड़ के देखा जाए तो बाकी में सभी में आपको टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलता है। तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन हमको आपको बाइक में अभी दिखा देते हैं। तो टेलीस्कोपिक सस्पेंशन अगर आप चेक करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको गाड़ी चलाना होगा, जैसे कि मैंने बताया कि आप गाड़ी चला के हैंडल छोड़ के देख कर लीजिए। अगर गाड़ी चलाने के बाद अगर यहाँ पे हल्का तेल जैसा महसूस होता है आपको, अगर तेल जैसा हल्का महसूस होता है तो वहाँ पे समझिए आपका सस्पेंशन जो है ख़राब है। अगर नहीं महसूस होता है तो समझिए सस्पेंशन ठीक है, वहाँ पे आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप गाड़ी का किलोमीटर कैसे पता करिएगा, तो जैसे ये गाड़ी हम आपको दिखाते हैं तो 40,000 किलोमीटर चली हुई है और 2013 की गाड़ी है, मतलब 5 साल हो गया इस गाड़ी का। और आप की आराम से ऐसे निकालिए और की देख लीजिए की का पोजीशन क्या है। क्या होता है कि गाड़ी का मीटर भी आगे पीछे किया जा सकता है, डिजिटल मीटर भी कुछ लोग आगे पीछे कर लेते हैं कैसे, तो टेक्नोलॉजी लगा के डिजिटल मीटर में भी कम कर लिया जाता है। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं गाड़ी का चाबी, अगर बिल्कुल बहुत ज़्यादा किया हुआ है तो मतलब आप उस अंदाज़ा एक लगाइए वहाँ पे कितना किलोमीटर चला है। बेसिकली डिजिटल मीटर ज़्यादातर लोग नहीं चेक मतलब उसमें एडिट नहीं करवा पाते हैं, लेकिन आप वहाँ पे चेक कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है। जैसा कि एक 40,000 किलोमीटर में, तो ये मेरे दोस्त का गाड़ी है तो इसलिए मैंने पुराना गाड़ी को ही सिलेक्ट किया आपको बताने के लिए। तो ये फाइबर बॉडी गाड़ी है पूरा, आगे से पीछे और अंदर का जो भी फ्रेम हो तो लोहा का होगा ही। और ये देखिए, ये बोल रहे हैं कि मुझे अब टायर को चेंज कराना पड़ेगा क्योंकि टायर अब पतला हो गया, तो 40,000 किलोमीटर के आसपास इनको टायर चेंज करवाना पड़ रहा है। अभी इसमें ये ट्यूब टाइप टायर है, अब आपको जो लीजिएगा तो आपको ट्यूबलेस टायर मिलता है यहाँ पे। तो अगर टायर भी देख लीजिएगा, टायर अगर बहुत इस तरह का खियाया हुआ है आप देख रहे हैं तो 30-35,000 पे चेंज कर लेना चाहिए। हाँ, 30-35,000 पे चेंज हो जाता है।
अगर वो गाड़ी में एकदम आपको जैसे कि अगर कोई ऑनर जो सेकेंड हैंड गाड़ी बेचता है, अगर वो उसने नया टायर लगा लिया होता है तो बड़ा गर्व से आपको बताया कि मैंने तो नया टायर लगा लिया, इसमें मतलब आप समझ सकते हैं कि गाड़ी 35,000 पार कर चुकी है, ठीक है ना। और आगे वाला टायर लगभग चल जाता है 50,000 किलोमीटर आराम से, तो आगे वाला टायर बहुत दिन पे चेंज होता है, तो अगर आगे वाला भी चेंज हो गया है तो समझ लीजिए, और वो भी आपको शान से बताएगा कि भाई मैंने आगे भी चेंज करके आपको नया दे रहा हूँ। आगे वाला अगर टायर चेंज हुआ है इसका मतलब है कि वो 50 से 60 हज़ार, 50-60 हज़ार गाड़ी पार कर चुका है। आगे में उतना प्रेशर होता नहीं है इसलिए वो ज़्यादा स्क्रैच नहीं होता है, पीछे वाले में प्रेशर ज़्यादा रहता है इसलिए वो स्क्रैच ज़्यादा होता है, क्योंकि जब आप हैंडल घुमाते हैं तो पीछे वाला घिसता है आगे वाला नहीं घिसता है, तो इस कारण से पीछे वाला जल्दी आपको घिस जाता है यहाँ पे, तो ये चीज़ यहाँ पे कहानी होती है। तो अगर आगे वाला अगर आपका टायर चेंज है और एकदम नया आपको ऑनर दिखा रहा है कि देखो भाई तुमको नया टायर दे रहे हैं, मतलब समझ लीजिए 50-60 पार हो गया है वो गाड़ी। और उसके अलावा एक चीज़ और है, आप साउंड यहाँ पे चेक कर लीजिए, इनके गाड़ी में साउंड अभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है, तो हम आपको साउंड सुनाते हैं। और धुआं भी देखना आपको यहाँ ज़रूरी हो जाता है, तो ये देख लीजिए इसमें से तेल टाइप का नहीं लगना चाहिए, तेल जैसा थोड़ा सा कम कीजिए बोलने दीजिए, थोड़ा तेल जैसा नहीं लगना चाहिए यहाँ पे, अगर तेल जैसा लग रहा है तो ख़राब है। और थोड़ा झाड़ के देख लीजिए, धुआं नहीं फेंकना चाहिए, तो ये दोनों चीज़ चेक कर लीजिएगा। इस गाड़ी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इसका टाइमिंग चेन ख़राब रहता तो यहाँ पे आपको चट 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 करके आवाज़ सुनाई देता, चिट 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 इस तरह का आवाज़ सुनाई देता था। अगर वो भी आवाज़ सुनाई दे रही है तो भी उस गाड़ी में लगभग आपको 2,500-2,000 रुपया खर्चा है सिर्फ उसमें, अगर क्लच पिस्टन ये सब पिस्टन उस्टन बैठा हुआ है तो 6,000-7,000 रुपया, 7,500 रुपया के आसपास आपको स्कूटर में वहाँ पे खर्चा होगा, तो अगर ये देख लीजिएगा। तो धुआं नहीं देना चाहिए बेसिकली, वाइट स्मोक काला स्मोक दे रहा है, मतलब कभी कभी होता है कि उसका माइलेज का सही सेटिंग नहीं होता है तो काला धुआं दे देता है, लेकिन जहां वाइट जैसा धुआं थोड़ा सा भी हो उसमें तो वहां पे आपको ज़्यादा चेक करने का ज़रूरत पड़ जाता है। इसमें एक और चीज़ बता रहे थे हम यहाँ पे कि ये डिक्की की जो अंदर का पार्ट आप खोल के देखिए, अंदर पार्ट में क्या खराबी है क्या नहीं है, तो उसको खोल के दिखाइए। तो यहाँ पे एक चीज़ इन्होंने बताया कि उसको भी चेक कर लिए, इसमें भी अच्छा खासा खर्चा हो जाता है, लॉक जो है ये बहुत घिस जाता है ना, तो फिर वो ओपन नहीं होता है, फंस जाता है, फिर आप डिक्की यूज़ नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो वहाँ पे भी आप चेक कर लीजिएगा कि आपको कितना लगेगा। अब बेसिकली हम प्राइस पे निगोशिएशन करते हैं कि प्राइस निगोशिएशन किन चीज़ों पे होता है और कहाँ पे आप प्राइस कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक 5 साल की गाड़ी हो गई, 40,000 किलोमीटर हो गया, मतलब जो भी आपका प्राइस हो तो 4-5 साल में पहले तो गाड़ी का दाम पहले आधा हो जाता है 50%। उसके बाद अगर बैटरी अगर स्टार्ट नहीं हो रही, जैसे कि इनका एक बार सेल्फ स्टार्ट हो गया, तो अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं स्टार्ट नहीं हो रही है, तो दो चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लम नज़र आता है, या तो आपका बैटरी डाउन है तो चाबी लगा के ये वाला जो ये है ये ऑन नहीं होगा। हाँ, जब गाड़ी टेस्ट कीजिएगा टेस्ट ड्राइव, तो उस समय आप मीटर भी चेक कर लीजिएगा यहाँ से ये उठ रहा है कि नहीं उठ रहा है, ये भी आपको चेक करना होगा। तो जैसे आप चाबी लगाइएगा तो ये डिस्प्ले ऑन होना चाहिए, डिस्प्ले अगर ऑन नहीं हो रहा है तो बैटरी बैठा हुआ है, अगर डिस्प्ले ऑन हो रहा है और फिर भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, मतलब दो चीज़ हो सकता है, या तो उसका कनेक्शन में कुछ गड़बड़ है और या तो उसका अल्टरनेटर जो स्टार्ट करता है गाड़ी को। इसमें रवि जी मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, लाइक मेरा जो मीटर है वो ख़राब है अभी। अच्छा, ठीक है, वर्क नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी मैंने चाबी लगाया तो इसका स्पीडोमीटर पूरा टर्न किया है, लाइट ओपन हुआ है, लेकिन जब तक आप चलाइएगा नहीं आपको ये डिनोट नहीं कर पाएगा कि मीटर रन कर रहा है कि नहीं, वो स्पीडोमीटर आपको खाली ऑन करके आप नहीं देख सकते, आपको राइड एक बार लेना पड़ेगा। जो भी डिजिटल मीटर है ना, जिस भी गाड़ी में डिजिटल मीटर है उसमें आप चाबी ऑन करते हैं आपका मीटर अप टू डाउन होगा, तो वहाँ इसका मतलब ये नहीं है कि आपका मीटर सही है, बिल्कुल आपको रन करके देखना इसका पड़ेगा। मतलब यही है कि आपको आगे वाला चक्का घुमा के, मतलब गाड़ी चला के आपको देखना पड़ेगा मीटर को, आपको अपना स्पीडोमीटर जो डिस्प्ले पे है उसमें भी आपको जो है ट्रिप मीटर अगर इसमें है तो आपको अब सब में ट्रिप मीटर आता है, तो ट्रिप मीटर यहाँ जीरो कर दीजिए, देखिए कि 100 मीटर 50 मीटर होता है कि नहीं होता है, वो भी देख लीजिए। अब निगोशिएशन पे आते हैं, जो मेरा सबसे बड़ा फैक्टर था, निगोशिएशन ये होता है कि आप गाड़ी यहाँ पे देख लीजिए, आप एक प्राइस उसका आधा जितना उसका उम्र हो और जितना किलोमीटर हो उस अनुसार आप प्राइस देख लीजिए कितना है। उसके बाद बैटरी या फिर अल्टरनेटर, अगर सेल्फ स्टार्ट नहीं हो रही है बैटरी ठीक है तो अल्टरनेटर में प्रॉब्लम होगा, उसका 3,000 के आसपास दम लग ही जाता होगा, जो गाड़ी को सेल्फ स्टार्ट से सेल्फ स्टार्ट आप कर सकते हैं नॉर्मल लैंग्वेज में। साइलेंसर फटा उटा नहीं होना चाहिए, फट आवाज़ नहीं आना चाहिए, और उसमें आ रहा है एक्सीडेंटेड हो तो गाड़ी छोड़ देना, मैं शुरू ही मैंने बोल दिया कि उसको कभी आप बनवा ही नहीं पाइएगा, फ्रेम सीधा होगा ही नहीं तो छोड़ दीजिए गाड़ी को। इंश्योरेंस चेक कर लीजिए कब का है कितना पुराना है, तो 1,000-1,500 अब तो 1,700 के आसपास होता है इंश्योरेंस का चार्ज, बिहार में वैसे बढ़ गया है, आपका यूपी सब जगह कम है, वैसे यहाँ पे थोड़ा बढ़ा हुआ है चार्ज,
तो उसको चेक कर लीजिए, आपका गाड़ी कहाँ का है, आपका सेम लोकेशन का हो तो ट्रांसफ़र में आसान होता है, अगर डिस्ट्रिक्ट भी चेंज होता है तो आपको नेक्स्ट अगले डिस्ट्रिक्ट जाके ट्रांसफ़र कराना होता है, अगर आपको आराम से भेज देता है गाड़ी ट्रांसफ़र करा के तो अच्छी बात है, नहीं तो आपको अगला डिस्ट्रिक्ट जाके आपको जो है थोड़ा सा जाने आने का खर्चा आपका बढ़ जाता है वहाँ पे खर्चा। और उसके अलावा जो फाइबर बॉडी देख लीजिए कहीं पे बांधा उंधा तो नहीं हुआ है, मतलब रस्सी उस्सी से या फिर कहीं अंदर से नट से अलग से पत्ती उत्ती लगा के बांधा हुआ तो नहीं है, वो देख लीजिए। आगे जो गार्ड लगाया हुआ है उसमें बॉल वॉल देख लीजिए कैसा है, बॉल फ्यूज तो नहीं है उसमें, एक्चुअली दिन में आदमी चेक करता है, दिन में हेडलाइट को चेक नहीं करता है, दिन में दोनों एक हाई बीम हेडलाइट चेक कर लीजिए। दूसरा चेक कर लीजिए कि आप जो भी गाड़ी का वैल्यू दे रहे हैं 50%, जैसे कि इस गाड़ी का रीसेल वैल्यू है, बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं कंपनी की जिसका रीसेल वैल्यू नहीं है, लेकिन उसका नाम नहीं लेंगे हम, नहीं तो कहे कंपनी गुस्सा हो जाएगा। तो बहुत सारा गाड़ी ऐसा है जिसका रीसेल वैल्यू नहीं है, तो जिस गाड़ी का रीसेल वैल्यू नहीं है उसका उसी अनुसार दाम देना आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि अगर वो बहुत अच्छे कंडीशन में आपको मिलता है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको 50% कंडीशन में मिलता है तो आप उसको अच्छा से बनवाइएगा चलाइएगा और फिर उसका रीसेल वैल्यू नहीं रहेगा, तो मतलब आपको अपने घर में उसको उसका देहांत करना पड़ेगा, मतलब जब तक है घर में है, और नहीं तो आपको 5,000-10,000 में बेचना पड़ेगा। वैसे वो आपका एक डेड एसेट हो जाएगा। हाँ, डेड एसेट हो जाएगा। तो स्कूटी का रीसेल वैल्यू नहीं होता है बहुत ज़्यादा, तो उस अनुसार उसको आपको ट्रीट करके समझना पड़ेगा क्या है क्या नहीं है। इसके अलावा ब्रेक लीवर ये सब चेक कर लीजिएगा, टूटा हुआ तो नहीं है, ब्रेक लीवर से भी आपको लगभग स्पीड और किलोमीटर का अंदाज़ा होता है, अगर आपका ब्रेक लीवर इतना देखिए चमक रहा है नीचे से इधर से काला वाला है, अगर ये पूरा चमकदार हो पूरा मतलब पूरा इसका पेंट उखड़ गया हो तो आप तो समझ लीजिए काफ़ी एज हो चुका है उस गाड़ी का। इसके अलावा मैं एक चीज़ और आपको बताना चाह रहा था इसमें, वो ये है कि जब भी आप एक स्कूटर लेने जा रहे हैं तो आपके दिमाग में इतना सेट रख लीजिए कि आपका माइलेज बहुत वैरी करेगा, आपका 35 से लेकर 45 के बीच में माइलेज वैरी करता है आपके चलाने के अनुसार कैसा आप चलाते हैं, तो ज़्यादातर मैक्सिमम माइलेज जो है 40 के आसपास मिलता है आपको, तो ये आपको माइंडसेट बना के रखना होगा कि आपको माइलेज अगर आप एक गेयरलेस स्कूटर लेने जा रहे हैं तो आपको 40 मिलेगा, अगर आप एक लड़का हैं पुरुष हैं और आप मोटरसाइकिल चला सकते हैं तो आप सीधा एक 100cc जाके कोई मोटरसाइकिल लीजिए, जैसे साधारण आपको सिटी डीलक्स दिख रही है वो मेरा मोटरसाइकिल है, हमको मुझे उसमें 67 से 70 के आसपास मुझे माइलेज मिल जाता है, और उस तरह से आप जो है एक मोटरसाइकिल लीजिएगा 100cc तो वो लगभग आपको दुगना माइलेज दे देता है एक गेयरलेस स्कूटर के मुकाबले, मेंटेनेंस भी कम है, रीसेल वैल्यू भी ज़्यादा है, और ज़्यादा टाइम वो 10 साल का गाड़ी है मेरा, 10 साल का गाड़ी होने के बावजूद कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, और बॉडी पूरा आपको नेकेड मिलता है जिससे टूटने फूटने का अगर ये गिरेगा तो देखिए ये सब गाड़ी का फाइबर ओवर टूट गया है, अगर फाइबर वाला नहीं भी हो स्टील भी गाड़ी हो तो आपका गिरेगा तो टूट फूट जाएगा, मतलब पचा जाएगा। ज्यादा प्रॉब्लम यही है कि हल्का सा भी अगर क्रैक आया तो आपको पूरा खर्च कराने के लिए पूरा बॉडी अप्रॉक्स चेंज कराना पड़ जाता है, पूरा ये पूरा जो सेट है गोलिया पूरा सेट चेंज करना पड़ेगा, तो अगर कहीं भी टूटा हुआ हो बोले कि एक साइड वाला खरीद लिया जाना मिल जाएगा तो वो एक साइड वाला नहीं मिलेगा। हाँ, दूसरा चीज़ मैंने ये भी देखा है कि ज़्यादा गेयरलेस स्कूटर का प्राइस ज़्यादा है, मतलब आप कोई भी सामान इसे खरीदने जाइए उसका रेट बहुत ज़्यादा मिलता है। हाँ, मोटरसाइकिल का दाम कम है। एक्चुअली इसमें क्या है कि अगर आप एक साइड का ले रहे हैं तो एक साइड का तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मिलेगा नहीं, या तो वो चोर मार्केट में मिलेगा तो मिलेगा नहीं, लॉक का दाम ले लीजिए, मीटर का दाम ले लीजिए, इसके रेट बहुत हाई है, हर चीज़ का इसका रेट ज़्यादा है गेयरलेस स्कूटर का मोटरसाइकिल के मुकाबले, तो ये भी चीज़ आपको माइंड में रखना होगा। इसमें एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि इसका अगर आपका सेकंड हैंड अगर आप गाड़ी ले रहे हैं ना तो एक बार इसका किक जरूर चेक करें। हाँ, किक की बहुत इश्यूज आते हैं इसमें, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसमें सेल्फ यूज करना स्टार्ट यूज करते हैं तो उसके वजह से किक यूज नहीं करते हैं। हाँ। और वो जहाँ 6 महीने साल भर बीतते हैं ना तो वो आपको जाम हो जाता है, वो एक बार जाम हो जाता है तो फिर आपको दिक्कत काफी आती है। जैसे इनका तो किक इतना जाम हो गया कि ये जो बाहर की ओर निकला हुआ अंदर की ओर नहीं जाता है, और किक मारना तो दूर की बात है, तो जाम हो गया है सेल्फ के कारण, तो इनका अब यूज ही नहीं कर पाते, इनको बोलता है कि ये पूरा चेंबर जो है इसको खोलना पड़ेगा तब जाके किक फ्री होगा। तो इतना कहानी है इस गाड़ी का, मीटर वेटर चेक कर लीजिए, ब्रेक लीवर, इस सब में ज़्यादा खर्चा नहीं है, बेसिक खर्चा जो है मैं वही बताया मैंने कि इंश्योरेंस वंश्योरेंस देख लीजिए, गाड़ी एक्सीडेंटेड नहीं है, फाइनेंस हुआ है तो फाइनेंस आपको ऑनर बुक मिल रहा है कि नहीं, बोल रहा है कि गाड़ी ले जाइए परसों पहुँचा देंगे तो वो सब चक्कर में मत पड़िएगा, सामने ऑनर बुक जब तक नहीं देखते हैं तो अगर ऑनर बुक नहीं देता है तो फाइनेंस नहीं है, सेम टाइम में आप रेवेन्यू स्टैम्प से या फिर जो भी एफिडेविट करवा के लिखवा लीजिए गाड़ी अपने नाम पे, ताकि आपको बाहर में नंबर वगैरह वो प्रॉपर अपने नाम पे, ना कि कहीं से गाड़ी एक्सीडेंट करके किसी को ठोक के आया हो केस आपके माथे पे आ जाए, तो ये चीज़ भी आप देख लीजिएगा यहाँ पे आप मतलब गाड़ी के लेने के सेम टाइम समय टाइम सब कुछ लिखवा लीजिए डेट, तो ये सब चीज़ चेक कर लीजिएगा, बाकी हॉर्न वॉर्न जो भी होता है सेट ये सब। तो बेसिक एक 50% दाम गिराने के बाद, मतलब 4 साल बाद तो 50% दाम आराम गिरा देता है,
उससे ज़्यादा गिरा देता है, और उसके बाद आप एक एक हज़ार करके इस तरह से जो चेक करके आप दाम गिराते जाइए, और उसके बाद जो भी सही दाम आता है उस अनुसार आप उसको प्राइस ऑफर कीजिए कि भाई इतना में खरीद सकते हैं, इससे ज़्यादा में नहीं खरीद सकते हैं। ये सब जो है हमेशा आपको ढीला हो जाता है, आपका टाइट है भाई, मेरा ढीला सबका ज़्यादा बॉडी फाइबर है ना, तो ढीला आप हो चुके हैं ना। हाँ, तो ये सब ढीला हो जाता है, तो ये सब चीज़ देख लीजिएगा फाइबर के अंदर। ऐसे मैं तो जो भी लड़का होता है, जैसे कि लड़का जो होता है, मेल होता है, मेल पर्सन, उसको मैं हमेशा एक गियरलेस स्कूटर लेने से मना करता हूँ। अब अगर आप मेरी वीडियो देखते होंगे तो मैं कोई भी मेल पर्सन को गियरलेस स्कूटर लेने से मना करता हूँ, क्योंकि गियरलेस स्कूटर आप लॉन्ग राइड ले जाने में, पॉटहोल्स में, सभी जगह दिक्कत होती है। तो यही था इसका एक मतलब, क्या बताऊँ आपको, मतलब वही, इसी तरह आप चेक कर सकते हैं आप गियरलेस स्कूटर को लेने से पहले। मैं आपको एग्जैक्ट दाम तो नहीं बताऊँगा। हाँ, एक चीज़ और था, हीरो और होंडा, इसका बहुत कंट्रोवर्सी है कि हीरो जो है वो मतलब होंडा से अलग होने के बाद बेकार हो चुकी है, ऐसा कंट्रोवर्सी है, कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा है। लेकिन मैंने चेक किया है, हीरो में आज भी वही क्वालिटी है, हीरो का ही ना गाड़ी है भैया आपका, 40,000 किलोमीटर में इंजन डेढ़ साल से अच्छा चल रहा सर्विस नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ इंजन में, डेढ़ साल से इसकी सर्विसिंग नहीं है, इसके कोई आवाज नहीं, कोई आवाज नहीं है। हाँ, हैंडलिंग तो, इसका जो रवि भाई ने पहले पूछा, बोला था कि अगर आप हाथ छोड़कर चलाते हैं तो वो बैलेंसिंग कर लेता है, आज तक मेरा एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन इंजन दो उसकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, ग्रिपिंग बहुत अच्छी गई है इसकी, इसीलिए हम खुद अपना हीरो ट्वीट लिए हैं, हमको अच्छा क्वालिटी लगा, अपर क्वालिटी में। देखिए इसमें एक्सीडेंट गिरा है गाड़ी इधर उधर बहुत, मोस्टली लोगों के माइंड में होता क्या है ना रवि भाई, कि गाड़ी लेते हैं वो ये सोचते हैं कि गाड़ी लें, साल भर अगर यूज़ कर लें तो उसके बाद काफ़ी चीज, टायर चेंज कराना है, तेल भरवाना है, ट्यूब चेंज कराना है, बहुत सारे खर्चे होते हैं। हाँ, इसको बहुत सारे लोग माइंड में रखते हैं एक बार लेने के पहले। हाँ, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि हीरो की गाड़ी, मैंने 5 साल हो गए मेरे गाड़ी को, लेकिन आज जा करके 5 साल के बाद मुझे टायर चेंज कराने की नौबत आई है, उसके पहले आज तक नहीं आई है। ये जो एडिशनल है वो मुझे कोई खर्चे अभी तक नहीं, मेरा गाड़ी 10 साल का हो गया है, 50,000 पार है, 55,000 पे है अभी, उसका खाली पीछे और आगे टायर चेंज हुआ है, और कुछ कराया ही नहीं है, एयर फिल्टर चाल चेंज हुआ है खाली, और 70 का माइलेज भी, मतलब एवरेज माइलेज, मतलब घसीट में देते हैं ना गाड़ी को बहुत ज़्यादा, तो 60 पे गिर के आता है, उससे नहीं नीचे गिरता है, नहीं, तो वही सारी चीज़ है। अच्छी लगती है, तो वही चीज़ है जो कंट्रोवर्सी है, इस चक्कर में मत पड़िएगा। हीरो का गाड़ी आज भी अच्छा क्वालिटी का आपको मिलता है, अब कुछ लोग बोले कि हीरो का तारीफ कर रहा है, तारीफ नहीं कर रहे, मतलब एक बात है कंट्रोवर्सी के आपको क्लियर कर रहे हैं, कस्टमर पॉइंट मैं यूज़ करता हूं, तो मैं अपना पॉइंट बता रहा हूं कि हां मुझे अच्छा लगा, बस वही बात है। नेक्स्ट गाड़ी कौन लीजिएगा? अब नेक्स्ट मैं बाइक पे ही स्विच करूंगा, ये एक्चुअली स्टार्टिंग था मेरा, तो इसमें मुझे बेसिकली फैमिली यूज़ के लिए, फैमिली भी यूज़ के लिए लेना था, तो इसमें स्पेस जैसे मिल जाते हैं आगे में सामान वगैरह फैमिली के लिए रखने के लिए। चलिए, तो यही था आज का, मतलब जो भी इन्फॉर्मेशन आपके लिए, ये सब स्टैंड स्टैंड चेक कर लीजिएगा, इस सब भी सर उड़ जाता है, अगर सारा स्टैंड अगर मतलब गाड़ी पड़ा हुआ है तो ये स्टैंड यहाँ से देख लीजिएगा, अगर ये पत्ती आपका सरा हुआ है, मतलब गाड़ी सर रही थी कहीं कोना में रखे, तो सड़ा हुआ गाड़ी कभी नहीं लेना चाहिए, उसका पिस्टन में जंग लग जाता है, और पूरा हेड का जो कंजप्शन चैम्बर है उसमें जंग लग जाता है, तो वहाँ पे वो प्रॉब्लम करती है, तो कभी सड़ा हुआ गाड़ी नहीं लेना चाहिए, वहाँ पे भी आपको बता देते हैं। यही था, अगर आपको इससे संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो आप सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसका आपको जवाब दूंगा, तो आपके सामने वो वीडियो ऑटोमेटिक आ जाएगी, लेकिन तभी आएगी जब आप सब्सक्राइब करके रखिएगा, तब सब्सक्राइब कीजिए और धन्यवाद, बस।